विशोदगते कारणीश्वर तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसम वसुदेव सुतं देवं कंस चारुर मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदगंथन गावा और बड़े भाग पाइब सत्संगा। अनेक जन्मों के पूरी जब उदय होते हैं तब मनुष्य का शरीर मिलता है और मनुष्य शरीर में भी जब अपार कृपा प्रभु की होती है तब सत्संग की प्राप्ति होती है, कथा कीर्तन की प्राप्ति होती है, सज्जन का संग मिलता है। तो आप लोग बहुत ही धन्य हैं जिन्हें बाबा ने अपने दरबार में याद किया है। कहते हैं कि जब तक इनकी इच्छा नहीं होती, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, जब तक इनका बुलावा नहीं आता तब तक कोई इनके पास जा नहीं पाता। अगर बाबा ने बुलाया है तो कृपा करने के लिए ही बुलाया है। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप यहाँ से क्या लेके जाते हैं। आपके अंदर जितना भाव होगा, जितनी श्रद्धा होगी, जितना अंदर से आपके पुकार होगी, बाबा उतनी जल्दी सुनवाई करेगा। इस संसार में सब लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, ऐसे में थोड़ा बहुत समय, कहते हैं जिंदगी है जब तलक फुर्सत न होगी, काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्याम से या राम से, राम श्याम एक ही। जी पराधीन सपन सुखनाही, संसार में सभी लोग किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं, कोई किसी दुकान पर, कोई किसी फर्म में, कोई सरकारी, हर जगह कहते हैं भाई नौकरी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी तो कोई प्राइवेट नौकरी। लोग कहते हैं पंडित जी जरा पता देखना बेटे का नौकरी का योग है क्या, लड़का पागल नौकरी का योग को दिखाता है, मालिक का योग दिखा तो मेरा बेटा मालिक बनेगा क्या। ताली बजा दो, अच्छी बात लगी हो तो, क्योंकि नौकरी में तो पराधीनता होती है, हम जिसको नहीं चाहते उसको भी सलाम करना पड़ता है, मन में तो आता है साले को थप्पड़ मारूं लेकिन फिर भी माला पहनानी पड़ती है। ये बड़ी व्यथा है, हम सहज सरल स्वभाव में जी नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर सब कुछ है फिर भी मन दुखी है। कारण यह है कि जो हमारे मन में है वो हम बाहर नहीं निकाल पाते। श्याम का बन सर्वेंट, किसका श्याम का, अरे श्याम का बन सर्वेंट, वाह नौकरी कर ले परमानेंट, कभी छूटेगी नहीं, रिटायरमेंट नहीं होती यहाँ, और एक ही जन्म नहीं जन्म जन्म तक आपकी सुनवाई होती रहेगी बाबा के दरबार में। अरे श्याम का बन सर्वंत नौकरी कर ले परमानंद नौकरी, श्याम का बन सर्वंत नौकरी कर ले परमानंद। इसे किसे भी मैं दुराना है जरा हाथ फेर लेते और बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी में हाथ फेर करके ताली बजाते हुए कि बाबा हम भी आए हैं आपकी चाकरी करने के लिए, आप
भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी नजर मेरी तरफ रहे तो अगर ऐसा होगा चांद की चाकरी मिल जाएगी तो क्या होगा, लाइफ में रहेगी ही सेफ, लाइफ में रहेगी सेफ, पर ना इसमें कोई डर ना डर होती है, इसलिए आप मस्ती में जब आओगे तो पीछे वाले अपने आप मस्ती में आ जाएंगे, इसलिए बाबा के नाम पर खोलिए दो हाथ और पैर लेते हुए आज उठा के करेंगे चला हुआ है, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, बीएसएनएल हो, इनका जो नेटवर्क है कभी कभी फेल हो जाता है। जियो 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 का तो बहुत ज्यादा ही फेल रहता है, लेकिन जो बाबा का सिग्नल है, जो बाबा का नेटवर्क है, वो पूरी दुनिया में ऐसा फैला हुआ है और इतना फास्ट है कि हाथों हाथ बात होती है, हाथों हाथ पर्चा मिलता है। इसलिए बोलो श्याम सरकार की जय हो। कहना है इनका तो सिग्नल प्यारे बना ही श्याम है। I'm not afraid.
और सुनी जरूर करो बाबा के दरबार में आके जय जय Thank you.
अंदर जाते हैं तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता। आप लोग भी अच्छा अनुभव करते होंगे कि घर में करके जब उम्र 12, 14, 15 की होती है और 20, 22, 25 तक किसी साथी की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा साथी क्यों बनाओ जो कल धोखा दे जाए। कहते हैं बाबा से जन्म जन्म का साथ है, ऐसा साथी हो जो जन्म जन्म तक साथ निभाए। इसलिए अगर फ्रेंड बनाना है, मित्र बनाना है, दोस्त बनाना है, यार बनाना है, तो किसको बनाना है? जीवन में लवली फ्रेंड शाम को बना ले तू, शाम को बना ले तू। लवली फ्रेंड शाम को बना ले तू, शाम को बना ले तू। जब भी तुम्हें चांस मिले शाम को मना ले तू, शाम को मना ले तू। किसी का नहीं ठिकाना है, इसलिए भव से पार करने का, भव से
Presta atenção.